Hi guys, welcome back to the channel and if you are new to the channel then please subscribe कर लेना. So आज के वीडियो में ना I wanted to talk with you guys about this. This is chick shampoo which has got egg whites in it. So मेरे को ना इस शैम्पू के बारे में बहुत समय से पता था. I think इसका बहुत ज़्यादा टीवी में ऐड वगैरह भी आता है. But अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड से बात हो रहा था एंड शी टोल्ड मी कि वो ये शैम्पू यूज़ कर रही है एंड दैट कि वो बहुत खुश है इसके रिजल्ट से. सो दैट्स वाई आई थॉट कि आई विल ऑल्सो ट्राई दिस एंड आई एंडेड अप बाइंग दिस. सो आज की वीडियो में ना आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस शैम्पू विथ यू गाइज. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट जस्ट टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस शैम्पू. आई मीन इस शैम्पू को यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं. तो इस शैम्पू का जो मेन इन्ग्रीडियंट है ना वो है एग वाइट. और एग वाइट आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता है. एग वाइट्स में ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों को मजबूत बनाता है. और अगर आपको अपने बालों में ब्रेकेज का इश्यूज़ हो रहा है ना तो ये उसको भी फाइट करने में हेल्प करता है. और ये आपके पूरे बाल के जो हेल्थ को है ना वो इम्प्रूव करता है. एग वाइट्स आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा घने और मजबूत नज़र आते हैं. एग वाइट्स में नेचुरल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कंट्रोल करती है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन आपके स्कैल्प में जो कि आइडियल है ऑयली हेयर्स के लिए. इसके साथ ही ये आपके बालों के जो जड़ है ना उसको स्मूथ करने में हेल्प करती है जो कि रिजल्ट करता है इन शाइनियर एंड स्मूदर हेयर. एग वाइट्स में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो आपके स्कैल्प को नरिश करता है और रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ हैविंग डैंड्रफ ऑन योर स्कैल्प. इसके साथ ही ये हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट एनी अदर स्कैल्प इश्यूज जो आपको हो सकता है. इसके साथ ही एग वाइट आपके बालों को एक कंडीशन इफेक्ट देता है जिसकी वजह से ना जो भी आपको फ्रिज या फ्लाईअवेज का प्रॉब्लम होता है ये उसको भी टैकल करने में हेल्प करता है. सो ओवरऑल अगर आप अपने शैम्पू में एग वाइट को इनकॉर्पोरेट करते हो या अगर आपके शैम्पू में एग वाइट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है तो ये हेल्प करता है इन एनहांसिंग योर हेयर स्ट्रेंथ. और ये आपके बालों में वॉल्यूम शाइन दोनों प्रोवाइड करता है और साथ ही आपके स्कैल्प हेल्प को भी इम्प्रूव करता है. सो इन अ नट शेल इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग ब्यूटिफुल एंड हेल्दी हेयर्स. और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ऑफ यूजिंग द शैम्पू अब तक वो बहुत ही अच्छा रहा है. ये जेन्युइनली आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और जेन्युइनली आपके बालों में शाइन और लश्चर प्रोवाइड करता है. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यूजिंग दिस शैम्पू. ओके, सो ये सारे फ़ायदे होते हैं इस शैम्पू को यूज़ करने के. तो अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में. सो ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है. वाइट कलर का बॉटल है पूरा इसका, प्लास्टिक बॉटल है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटल है ये. अगेन जो एक प्रॉब्लम इस तरह के पैकेजिंग के साथ होता है वो ये है क्योंकि ये पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा ओपेक है. आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों ना आपने कितना प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, कितना बाकी है. लेकिन इस शैम्पू के साथ एक खासियत है इसका ना, ये वाला जो कैप है ना ये बहुत इजीली ओपन हो जा रहा है. तो उससे क्या होता है ना कि आप देख सकते हो अंदर कि कितना प्रोडक्ट बाकी है और कितना आपने यूज़ कर लिया है, कब रिपर्चेज करना है. तो अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तो इस शैम्पू के साथ एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कितना बाकी है पता ही नहीं चल रहा है. उसके अलावा ऐसा इसका पंप है. अगेन ये लॉक सिस्टम नहीं है इसमें, इसलिए ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है. एंड एनीवेज ये बॉटल बहुत ही बड़ा है ट्रैवलिंग के लिए, तो आप ट्रैवल के लिए तो इसको ऐसे भी नहीं ले जा सकते हो. आपको एक्चुअली इसको कोई छोटे बॉटल या ट्रैवल साइज जो शैम्पू के किट्स आते हैं उसमें आपको इसको एनीवेज डालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, आपका जो लगेज है वो बहुत हैवी हो जाएगा. तो ट्रैवल फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं है. बट आई थिंक डेली यूज़ के लिए काफ़ी स्टर्डी और अच्छा बॉटल है. सो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट पैकेजिंग है. बॉटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है इसका, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है क्योंकि एक तो बल्की भी है और ऊपर से इसमें वो लॉक सिस्टम भी नहीं है. बाकी उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है इसके पैकेजिंग से. सो नाउ लेट मी शो यू हाउ द प्रोडक्ट लुक्स फ्रॉम इनसाइड एंड इसको प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालते हैं. सो शैम्पू निकालने के लिए आपको बस ये पंप करना होगा एंड शैम्पू आ जाएगा. ओके, सो ये अंदर से ऐसा दिखता है, वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइट कलर का है. एंड हल्का हल्का सा ना इसमें ग्लिटर जैसा कुछ है, पता नहीं अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, हल्का हल्का ग्लिटर सा लग रहा है पर ऐसा दिखता है ये अंदर से. सो अब बात करते हैं इसके स्मेल के बारे में. काफ़ी क्लीन और फ्रेश स्मेल है इसका. थोड़ा सिट्रस, मतलब हल्का हल्का आपको इसमें लगेगा फ्लावर का नोट्स है और हल्का सिट्रस सा स्मेल है इसका, बट काफ़ी क्लीन और फ्रेश स्मेल जो होता है ना ये वैसा है.
सो हाँ, स्मेल मतलब बहुत ओवरपावरिंग नहीं है, पर काफ़ी माइल्ड, जेंटल और अच्छा सा स्मेल है इसका, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है। सो अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। सो इसको लगाना बहुत ही आसान है। नॉर्मली यू नो, शैम्पू करने से पहले आई मेक श्योर कि हम अपना यू नो बाल जो है उसमें ऑयलिंग किए हुए हैं, उसके बाद ही आई डू द शैम्पू। सो इसके साथ भी वही है कि आई यू नो ऑयल माई हेयर, उसके बाद आई जस्ट गो एंड टेक अ गुड अमाउंट ऑफ दिस शैम्पू। पहले बाल को अच्छे से गीला कर लेते हैं, उसके बाद ये शैम्पू आई टेक अच्छा अमाउंट लेते हैं एंड पूरा अच्छे से अपने बालों में इसको यू नो अच्छे से फोम अप करते हैं, जब तक कि बहुत अच्छे से लैदर फॉर्म ना हो जाए। और एक बार जब बहुत अच्छे से लैदर फॉर्म हो जाता है ना, उसके बाद बहुत अच्छे से अपने बालों को पानी से धो लेते हैं। बहुत ही अच्छे से यू नो अपने बालों को रिंस करना चाहिए जब आप शैम्पू या कंडीशनर लगाते हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी प्रोडक्ट आपके बालों में रह गया ना तो बिल्डअप का इशू हो सकता है। और अगर एक बार आपके यू नो स्कैल्प में बिल्डअप होने लगा ना, तो फिर उसके बाद हेयर फॉल, हेयर लॉस, डैंड्रफ, वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बालों को बहुत अच्छे से पानी से रिंस करें जब आप एक बार शैम्पू या कंडीशनर लगाते हो। सो या उसके बाद बस नॉर्मल आपको अपने बालों को धो लेना है एंड टॉवल ड्राई कर लेना है, एंड आई लेट माई हेयर ऑब्वियसली यू नो ड्राई इन द एयर, आई डोंट यूज एनी ब्लो ड्रायर या ऐसा कुछ भी। सो दैट्स अबाउट इट। सो इस शैम्पू के अलावा ना, आई हैव रिव्यूड अ लॉट ऑफ अदर शैम्पू, जैसे वेला प्रोफेशनल्स का शैम्पू, मामा अर्थ का शैम्पू, रेनोसिया का भी एक शैम्पू है। सो बहुत सारा शैम्पूज आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड इन पास्ट। इन केस आपको वो सारे शैम्पूज के बारे में भी जानना है कि वो कैसा है, आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर सकते हो तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इज़ कि आप है ना अपना शैम्पू समय समय पर स्विच करते रहा करो, क्योंकि अगर आप एक ही शैम्पू बहुत समय तक यूज़ करोगे ना, तो जो आपका बाल है वो शैम्पू की तरफ यू नो रिएक्ट करना बंद कर देगा, जो भी वो शैम्पू ऑफर कर रहा है आपके बालों को। फॉर एग्जाम्पल, वो शैम्पू अगर हेयर लॉस के लिए है या डैंड्रफ के लिए है, तो वो ना अगर बहुत लंबे समय तक आप यूज़ करोगे तो आपके बालों पे वो रिएक्ट करना बंद कर देगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पे अपने यू नो शैम्पू को शफल करते रहो। सो 380 ml ऑफ दिस बॉटल इज MRP'd at ₹378, पर ये Amazon पे हमेशा ही डिस्काउंट पे अवेलेबल रहता है। तो इसका जो Amazon वाला लिंक है ना, वो आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो इन केस आपको ये यू नो बाई करने का मन है, तो आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके इसको Amazon पे जाके देख सकते हो। एंड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंप्लीट डिटेल्स है ना, वो आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो इन केस आपको इसके बारे में और जानना है, तो आप वहाँ पे जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हो। सो इन केस यू एंड अप बाइंग दिस प्रोडक्ट, प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए कैसा वर्क किया, आपको पसंद आया है या नहीं आया। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।